हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे टेक्नोई के, और आज की इस वीडियो में मैं आपकी सभी कंफ्यूजन जो है दूर करने वाला हूं कि जो प्ले मोड पे आई है GTA 5 वो ओरिजिनल है या नहीं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो। तो दोस्तों, कल से मुझे बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं यूट्यूब पर कि जो GTA 5 का ऑफिशियल गेम है वो लॉन्च हो चुका है एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने यूसी ब्राउजर में और देखते हैं कि वो कौन सा ऑफिशियल गेम है। तो देखिए, ये है प्ले मोब का एक पेज। यहाँ पर कहा गया है कि ये गेम आ गई है, और वीडियोस में कहा भी गया है बहुत ज़्यादा कि ऑफिशियल गेम है, जाके डाउनलोड करो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गेम है ये सिर्फ एक मोड है, ये बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है। ये गेम कम से कम 5 महीने हो गए इस गेम को आए हुए, 5 से ज़्यादा ही हो गए। ये गेम अभी यहाँ पर आई होगी, लेकिन ये एक मोड है। तो मैं आपको एक और पक्का सबूत दे देता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है वीज़ा मेड बाय स्कल। तो आपको दिख रहा होगा वीज़ा मेड बाय स्कल। अगर GTA 5 बनाती है रॉकस्टार तो वहाँ पर क्या लिखा होता, मेड बाय रॉकस्टार। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर स्कल लिखा है। और इसके दो वर्जन है, एक तो है डॉक्टर घोस्ट ने बनाया था और एक है स्कल ने बनाया। तो अगर आपको डॉक्टर घोस्ट वाला चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी वीडियो का, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। एक रॉकस्टार की ऑफिशियल साइट से लिया गया है ये स्क्रीनशॉट। तो ये देखिए, तो आपको दिख ही गया होगा कि इस स्क्रीनशॉट में किस किस के लिए कहा गया है कि किस किस के लिए उन्होंने गेम बना दी है। तो इसमें कहीं भी एंड्रॉयड का नाम नहीं है। तो मैंने जैसे कि 2K17 में भी आपसे यही कहा था कि हो सकता है एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हो सकता है कि GTA 5 भी जल्दी आ जाए और 2K17 भी जल्दी आ जाए। बट अभी कुछ नहीं कह सकते कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी गेम है। या तो ये हाईली कंप्रेस्ड होगी और इसे सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि कौन से मोबाइल में ये चले कौन से नहीं चले। तो ऐसे ही इसके जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे इसकी सर्विस से, तो टाइम दो उनको थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको कह दूँ कि जो ऑफिशियल गेम है वो अभी तक लॉन्च बिल्कुल नहीं हुई है। आपको सभी यूट्यूबर्स जो हैं सिर्फ गुमराह कर रहे हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और आपको अपने चैनल पे ले आने के लिए। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता और मैं तारे भी नहीं कर रहा था अपनी। तो मैं आपको सिर्फ यही कह रहा था कि ऑफिशियल गेम नहीं आई है, तो बस बोलने के लिए तो बहुत कुछ है इसके लिए, लेकिन मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गया होगा आपको जो GTA 5 का ऑफिशियल गेम है वो अभी तक लॉन्च हुआ ही नहीं है। सभी यूट्यूबर्स आपको उल्लू बना रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ आपसे अगली बार सैटरडे वीडियो में, तब तक के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.